first use. Concave lenses are used in spectacles to correct the defect of vision called myopia. Short-sightedness. तो पढ़ने में तो शायद ये दिक्कत नहीं होती होगी, जैसे जो चश्मा तुमने लगाया, जो खुद पढ़ाई करते हैं उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन दूर का देखने में दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो ये जो दूर का देखा जाता है ना, इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं short-sightedness. Short-sightedness का मतलब क्या है? Short-sightedness मतलब पास का तो दिख रहा है, पास का तो हमारी साइट में है, short-sightedness पास का दिख रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मायोपिया। तो जो लेंसेज आपके स्पेक्टेकल्स में लगे हुए हैं ये कॉनकेव लेंसेज हैं, ठीक है। पहला यूज़ इसका ये, दूसरा यूज इट इज यूज्ड जो कॉन्वेक्स लेंस वाले वो होते हैं स्पेक्टेकल्स, तो वो इसलिए यूज होते हैं जो दूर का नहीं दिखता। हाँ, दूर का नहीं दिखाई देता, जैसे यहाँ पर है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि पास का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम जनरली जो आप स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोगों की एज में जो प्रॉब्लम होती है डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसमें हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं और हमको बोर्ड पर लिखा हुआ वो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमें दूर का दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन शॉर्ट का हमको दिखाई दे रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस। पास का हमको दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, उस प्रॉब्लम को मायोपिया बोलते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, समझ गए? बताइए, क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए उसके बाद सेकंड नोट करें, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल lenses used in wide angle spy hole indoors. Indoors. तो जैसे हम डोर में दरवाजे में लगवाते हैं ना लेंस, लगवा लेते हैं, छोटा सा लेंस होता है बारीक सा, तो होता तो जरा सा लेंस है लेकिन वाइड एंगल, बहुत वाइड एरिया को कवर करते हैं कि बाहर कौन खड़ा हुआ है, बाहर कौन डोर नॉक कर रहा है, तो उसको देखने के लिए जो वाइड एंगल स्पाई होल लगवाते हैं वो कॉनकेव लेंस का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये इसके दो यूजेस हैं, सफिशियंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करें, इसमें कॉनकेव लेंस सर पॉजिटिव पावर के लिए होते हैं, नेगेटिव पावर के लिए होता है? कॉनकेव लेंस, हाँ, कॉनकेव लेंस होता है नेगेटिव पावर के लिए यूज। आप खुद सोचिए कि जिसमें भी जो भी हमारा लेंस है, अगर कॉनकेव है या कॉनवेक्स है, तो कॉनकेव लेंस अगर है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है उसकी पावर भी नेगेटिव, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है उसकी पावर भी पॉजिटिव। मैं अभी आऊँगा, पावर वाला भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है, पहले मैं इसके दो एक क्वेश्चंस करवा लूँ जरा कॉनकेव लेंस के, फिर बताता हूँ पावर ऑफ अ लेंस को किस तरह से डिटरमिन करी जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव है, समझ रहे हैं? अब वो कैसे है, क्यों है, वो बताऊँगा अभी, पावर ऑफ अ लेंस वाला एक टॉपिक है वो करवाऊँगा अभी। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो हमारा पावर जो है वो भी पॉजिटिव है, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, कॉनकेव लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। मैं भी बताऊंगा आपको, पहले फिलहाल इसके क्वेश्चंस करिए, कुछ एक क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर
an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length, from a concave lens of focal length 20 centimeter, full stop, find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. ठीक, जरा देखिएगा. An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens. एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉनकेव लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाता है, 50 सेंटीमीटर पर. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. यू इज कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर. फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. कॉनकेव की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव. ब्रैकेट में लिखिएगा सिंस इट इज कॉनकेव लेंस, इसी वजह से इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. ये हो गया. तो 1 upon v माइनस वन अपॉन माइनस 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 20. ठीक है, बिल्कुल एज इट इज हमने सारी की सारी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दी. यू की वैल्यू माइनस 50, एफ की वैल्यू माइनस 20. तो दोबारा बता रहा हूँ, फोकल लेंथ अगर कॉनकेव है, लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ ऑब्वियस नेगेटिव होती है कॉनकेव की. ठीक है, कॉन्वेक्स आएगा चाहे लेंस हो या मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. उसके बाद देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 20 को क्या बोले, माइनस 1 अपॉन 20. वही सीधी बात है, ऊपर 1 लिखा हुआ है यानी कि पॉजिटिव 1, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 20. तो पॉजिटिव टर्म को अगर नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव ही आता है ना. अब इसको प्लस 1 अपॉन 50 पे उधर ले जाएंगे, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन 20 तो है ही, और प्लस का 1 अपॉन 50 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 50. अब 20 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 25 100 5 1 5 minus 5 52 100 2 1 2 minus 2. 1 upon b is equal to minus 7 upon 100. तो ये 1 upon b की वैल्यू आ गई, मैं तो b की वैल्यू चाहता हूँ. कैसे आएगी, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए. टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो b is equal to हो जाएगा माइनस का 100 upon 7. अब 7 से डिवाइड करिएगा, 7 1 7 7 1 7, 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3 3 0 30, 7 4 28, 30 माइनस 28 2 आ गया 2 0 20, 7 2 14, फिर 60 आ गया, 7 8 56. क्या करते हैं हम कि हमेशा 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही लेते हैं, इसमें फोकल लेंथ निकालना हो, इमेज डिस्टेंस निकालना हो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेंगे. फिर ये जितना हो गया बहुत है, तो v इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस का 14.28 सेंटीमीटर. अब इसमें पता है क्या है कि जैसे माइनस का 14.28 सेंटीमीटर है, तो हम यहीं से ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो ठीक आया है या नहीं आया है. V नेगेटिव में आया है, V नेगेटिव में आने का मतलब क्या है कि ये लेंस के लेफ्ट साइड में जो चीज़ लेफ्ट साइड में होती है डिस्टेंस, उसको नेगेटिव लेते हैं, जो राइट साइड में होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं.
तो ये लेफ्ट साइड में आया है, लेफ्ट साइड में आने का मतलब क्या है, ये इमेज हमारी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में रखते हैं, तभी तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने नेगेटिव लिया, और इमेज जो है इमेज डिस्टेंस वो भी नेगेटिव आया, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं। तो जब सेम साइड पर हमारी इमेज बनती है लेंस के केस में, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल या वर्चुअल, क्या बोलेंगे? रियल एंड इनवर्टेड बेटा, वर्चुअल एंड इनवर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सॉरी वर्चुअल एंड इनवर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्यों होगा, जो रियल एंड इनवर्टेड आप बोल रहे हो वो कन्फ्यूजन हो रहा है आपको मिरर का, मिरर के केस में अगर सेम साइड पर इमेज बनती है तब हम उसको बोलते हैं रियल एंड इनवर्टेड, लेकिन लेंस के केस में सेम साइड पर अगर इमेज बन रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और इस तरफ बन रही है तो रियल एंड इनवर्टेड, राइट साइड अगर बन रही है। वैसे भी याद रहे हाँ जी बिल्कुल कह सकते हो। यहाँ पर एक चीज और देखें कि ये कॉनकेव दे रखा है ना, कॉनकेव में दो ही केसेस है, बस दो ही केसेस होते हैं, और जो इमेज है कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि नेचर एंड पोजीशन, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन तो ये पता चल गई -14.28, ठीक है, और नेचर क्या होगा, बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स अगर होता तो कॉन्वेक्स में ना दो अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं। कॉन्वेक्स में पहला केस ऐसा होता है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो उस केस में तो वर्चुअल डायरेक्ट बनती है, एक केस है बस ऐसा वर्चुअल डायरेक्ट, बाकी सब में रियल एंड इनवर्टेड बनती है, ठीक है। तो हम बस नेगेटिव से अंदाजा लगा लेंगे। देखिए नेगेटिव का मतलब ही क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है ये कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर, नेगेटिव है ना, तो लेफ्ट हैंड ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है ए बी, तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, माइनस का 50, तो हम 50 सेंटीमीटर लिखते हैं, डायग्राम में माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, जब न्यूमेरिकल करते हैं तब हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि कहाँ माइनस कहाँ प्लस। तो अब ये इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, 14.28 लगभग यहाँ पर, तो यहाँ हमारी इमेज बनेगी, इमेज फिगर बनाना है, नहीं नहीं फिगर में समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, फिगर नहीं बनानी है। तो यहाँ से यहाँ तक माइनस है, तो इसका मतलब सेम साइड बन रही है 14.28 सेंटीमीटर। जब सेम साइड लेंस हो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सिर्फ लेंस की बात करो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर सेम साइड पर इमेज बनती है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अगर राइट साइड पर इमेज बनती है तो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। और जो मिरर है मिरर में उल्टा होता है, सेम साइड पर रियल एंड इनवर्टेड और बैक साइड में आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर जो है, नेचर हमारा क्या हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कॉनकेव लेंस में दो केस होते हैं, दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, तो कॉनकेव में तो सोचना ही नहीं है नेचर के बारे में, सीधा वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिख दो, सॉल्व भी मत करो पूरे को, सीधा लिख दो कि कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हो ना, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बन ही नहीं सकती कॉनकेव में, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नोट करें, ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर An object weighs 50 cm from a lens produces a virtual image असल में क्या है ना कि जितने भी ये क्वेश्चंस है ना, ये सारे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है। एक्सपेरिमेंट कहाँ पर करेंगे हम, लैब के अंदर, तो लैब में बहुत बड़ी बड़ी दूरी पर हम लेंगे नहीं, क्योंकि छोटा छोटा लेंस होता है। तो अगर बड़े लेंसेस का हो, जैसे कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आपने अगर साइंस ली और 12th क्लास में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला जो टॉपिक है, तो उसमें भी कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करे जाते हैं, तो वहाँ लेते हैं बड़े बड़े डिस्टेंसेज, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट पर इमेज जो होती है, टेलीस्कोप में वही चीज़ ली जाती है कि अगर बहुत लंबी लंबी दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो छोटी छोटी दूरियाँ हैं कि इधर डिक्शनरी रखी हुई है, मैं कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से डिक्शनरी के लेटर्स को पढ़ना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है छोटी छोटी डिस्टेंसेज हैं, तो उनको मीटर में लेंगे तो वो पॉइंट्स में आएगा, तो इट्स बेटर कि सेंटीमीटर में ले लो। हालांकि पावर निकालने के लिए डिस्टेंस को, फोकल लेंथ को हमें मीटर में ही लेना पड़ता है पावर निकालने के लिए,
मैं आता हूँ अभी उस पर। क्या बोल रहे हो आयुष्मान सर? इसी वजह से टेलीस्कोप नहीं है बने क्योंकि मैं कॉनकेव लेंस वैसे जो लेंसेज है ना लेंसेज का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा बड़ा होता है। मतलब बहुत बड़ा एक कांच की बॉल होगी उसमें से काट के उसको लेंस को निकाला जाएगा तो ऑब्वियसली आप समझ लीजिए कि जब इतनी बड़ी कांच की बॉल लेंगे तो उसमें से काटा हुआ लेंस जो है वो महंगा आएगा ही है क्योंकि बाकी का जो पोर्शन है वो बाकी का पोर्शन किसी काम का होता नहीं है। ठीक है तो एक इधर से कॉर्नर काट दिया एक उसका अपोजिट कॉर्नर काट दिया और उससे आप लेंस बनाते हैं। ठीक है चलिए जी ये क्वेश्चन लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, फ्रॉम अ लेंस लिखा हुआ है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं लिखा हुआ, मुझे अंदाजा लगाना है कौन सा लेंस होगा। पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ distance of 10 cm in front of the lens. Full stop. Draw a diagram to show the formation of image. Draw a diagram to show the formation of image. Full stop. Calculate the focal length of the lens. Calculate the focal length of the lens and magnification produced. अब देखिएगा यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं है कि कौन सा लेंस है, इन्होंने तो बस ये कह दिया लेंस है बस। तो अब ना हम उसका डायग्राम बनाने से पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ पर बन रहा है। अब उन्होंने वो भी बता दिया एन ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि यू दे रखा 50 सेंटीमीटर ठीक है। प्रोड्यूस्ड अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने ही 10 सेंटीमीटर पर वो एक वर्चुअल इमेज बना देता है। वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर पर, तो वर्चुअल इमेज सेम साइड पर बनती है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वी इज इक्वल टू कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अब हम लेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे तो एफ क्या है ये हमको नहीं पता। तो डायग्राम बनाने से पहले डायग्राम में मुझे फोकल लेंथ भी तो शो करना जरूरी होता है कि फोकस कहाँ पर है ये भी तो दिखाऊंगा। तो डायग्राम बनाने से पहले जो सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, तो फोकल लेंथ पहले निकाल लीजिए फिर डायग्राम बना लेंगे। ठीक है तो देखिएगा हम कहेंगे यहाँ पर बाई यूजिंग देखो यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। पहली चीज मिरर हो कॉनकेव हो कॉनवेक्स हो कुछ भी हो लेंस हो कुछ भी हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा उसको नेगेटिव ही लिया जाएगा।
अच्छा दूसरा, जैसे ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेंस लिखा हुआ है, लेंस वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा रहता है, तो जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी उसी साइड बन रही है, यानी कि लेफ्ट साइड में बन रही है, तो लेफ्ट साइड में बन रही है तो इसका मतलब नेगेटिव। तो हम क्वेश्चन देख कर अंदाजा लगाएंगे, ठीक है ना। और अब इसके बाद में फोकल लेंथ, अब ये कौन सा लेंस है ये मुझे फोकल लेंथ से पता चल जाएगा, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है क्या कॉनकेव लेंस, नहीं लिखा ना, या कॉन्वेक्स लेंस, कहीं नहीं लिखा, ठीक है। मैं फोकल लेंथ निकालूंगा, अगर नेगेटिव आ गई तो कॉनकेव लेंस ही होगा, अगर पॉजिटिव आ गई तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, बस इतना सिंपल सी बात है। क्योंकि हमें डायग्राम बनाने से पहले लेंस तो पता लगाना जरूरी है ना, लेंस कौन सा है, ठीक। तो चलिए, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v का मतलब क्या हो गया, माइनस 10, 1 अपॉन माइनस 10, माइनस 1 अपॉन माइनस 50, 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन माइनस 10 क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन 10, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, प्लस का 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इधर 10 और 50 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 10 और 50 का एलसीएम क्या हो गया, 50, 10 5 is 50, 5 into minus 1 minus 5, plus 50 1 is 50, 1 into 1, पलट कर लिख दो, 1 upon f इधर, minus 5 plus 1 यानी कि minus 4 upon 50 इधर, 2 to the 4, 2 plus 3 5 is 50, 2 1 is 2, 2 12.5 is, ठीक है। तो 1 upon f is equal to 1 upon 12.5 with the minus sign, तो f is equal to कितना हो गया, माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। तो आप यहां लिखेंगे, सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सो इट इज आर, सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव सो इट इज अ कॉनकेव लेंस। अभी मुझे ये पता चल गया कि ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब क्या करना है, अब डायग्राम बना लेते हैं इसका, और उन्होंने पूछा है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड, पहले डायग्राम बना लेते हैं, मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो यहाँ पर हो गया कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ, फोकस हमारा लेफ्ट में ही होगा, तो इधर हो गया एफ, और इधर हो गया 2f, और कॉनकेव है इस तरफ वाले को f डैश और 2f डैश लेंगे। तो अब आप ये देखिएगा कितना दे रखा है, ये 12.5 आ गया फोकल लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मार्क कर दीजिए, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को मार्क कर दीजिए 12.5 सेंटीमीटर। ये डायग्राम बनाना है, तो जो जो वैल्यू मेरे पास है वो वैल्यू मैं लिख कर दिखाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस 50 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस 50 है, माइनस 50 कितना होगा, देखिए 12.5 ये है, इसका डबल 2f कितना हो जाएगा, 25 का भी डबल, तो 50 काफ़ी इधर है, तो 50 काफ़ी इधर है, इसका मतलब आप ये देखिए कि उधर बोर्ड पर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ इस तरफ, हालांकि मुझे इसका भी डबल दिखाना चाहिए, काफ़ी दूरी पर दिखाना चाहिए, मैं इसको इधर ही दिखा रहा हूँ। ए बी, ठीक है, अच्छा, और दिखा देंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो पहला जो रे ऑफ लाइट हम लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
तो एक रे ऑफ लाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो इससे टकराने के बाद में ऐसे डाइवर्ट हो गई जैसे कि एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो पहला तो ये होता ही होता है, और दूसरा बेहद आसान, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा स्ट्राइक करवाइए एक रे ऑफ लाइट को, तो एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजरवाते हैं, तो ये बिल्कुल एज इट इज विदाउट एनी डेविएशन, बिल्कुल एज इट इज ऐसे सीधी निकल जाती है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। याद रखिएगा कॉनकेव लेंस में केवल दो केसेस हैं, दोनों केसेस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, दूसरी चीज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है, दिखाई दे रहा है आपको ओ और एफ के बीच में, इसको कहीं भी ले जाओ, इन्फिनिटी तो नहीं लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी आप इसको ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज आपकी ओ और एफ के बीच में ही बनेगी। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनती है, तो कॉनकेव लेंस में जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है उसमें इमेज हमेशा छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा जो पहला केस है, एक ही केस है बस वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला, उसमें इमेज हमारी इरेक्ट मैग्नीफाइड बनती है, बड़ी बनती है। ठीक है, चलिए जी, इतना करने के बाद में ये तो हो गया इसका रेडायग्राम, ये समझ में आ गया, बताओ भाई प्रणाम, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ये इतना करने के बाद में फिर उन्होंने एक चीज़ और पूछी थी कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस, ये बताइएगा मैग्नीफिकेशन m is equal to भाई लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? v upon u, माइनस v upon u नहीं, v upon u, याद रखना, माइनस v upon u कहाँ होता था? मिरर में, यहाँ पर सिर्फ v upon u, तो m is equal to v कितना है? माइनस 10, u कितना है? माइनस 50। वन अपॉइंट फाइव की वैल्यू क्या होती है? 0.2। और इसी से समझ में आ गया कि मैग्नीफिकेशन का जो मॉड है, यानी कि मैग्नीफिकेशन की केवल वैल्यू वो वन से छोटी आ रही है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, अगर सिर्फ वैल्यू, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन की बात नहीं कर रहा, अगर उसकी सिर्फ वैल्यू वन से छोटी आती है तो हम बोलते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कैसी बन रही है? छोटी, वन से बड़ी आती है तो इमेज का साइज क्या है? एनलार्ज्ड। चलिए जी, इसके बाद अगला देखेंगे द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ स्फेरिकल लेंसेज spherical lens is plus 0.75 is plus 0.75 full stop. What is the ए पार्ट नेचर ऑफ इमेज, बी है नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ इमेज बी पार्ट है नेचर ऑफ लेंस,
मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय या स्फेरिकल लेंसेस प्लस का 0.75, तो इसके सॉल्यूशन में देखिएगा पॉजिटिव साइड का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो सीधी बन रही है। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव होता है तो हम ये बोल देते हैं मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इमेज हमारी इन्वर्टेड बन रही है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इमेज सीधी बन रही है। तो आप ये कहिए सिंस एम इज पॉजिटिव सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कभी भी मैग्नीफिकेशन के साइन में कोई डाउट मत रखना, क्योंकि चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनवेक्स मिरर कॉनवेक्स लेंस हो, कुछ भी हो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमेशा ये रहता है h2/h1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा सीधा ही रखता हूँ, कभी उल्टा नहीं रखता, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना केवल h2 पर डिपेंड करता है। अगर h2 पॉजिटिव तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव रिजल्ट इज पॉजिटिव, अगर h2 नेगेटिव तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव रिजल्ट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कैसे आया होगा, ये हमारा h2 पॉजिटिव रहा होगा। h2 पॉजिटिव का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव कहाँ होती है अगर वो सीधा रखा हुआ है तो, उल्टा रखा हुआ है तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, तब होती है वो नेगेटिव हाइट ऑफ इमेज, समझ गए। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट अगर कोई इमेज है तो भैया वो वर्चुअल है, सीधी बात, तो फिर वो वर्चुअल है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तो इमेज इन्वर्टेड, और अगर इमेज इन्वर्टेड है अगर उल्टी है तो फिर रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। तो एम इज पॉजिटिव सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके अलावा हम ये कहेंगे ऑल्सो सिंस मॉडुलस ऑफ एम इज लेस देन वन, मॉडुलस ऑफ एम समझ गए, एम की सिर्फ वैल्यू इस पॉजिटिव साइन को दो मिनट के लिए भूल जाइए, मॉड की बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव साइन को भूल जाइए, 0.75 वन से छोटा है ना, 0.75 वन से तो छोटा है ना, तो जब ये वन से छोटा है सो इमेज विल बी व्हाट बताओ, डिमिनिश्ड, बिल्कुल सही, इमेज विल बी डिमिनिश्ड। तो ये पूरी तरीके से साइज भी बता दिया हमने इमेज का और नेचर, हालांकि सिर्फ वर्चुअल इंडिरेक्ट दिक्कत है, हमारा आंसर कंप्लीट था पर मैं चाहता था कि ये भी बता दूं तो मैंने ये भी बता दिया कि साइज जो है उसका क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। उसके बाद देखिएगा ये बोल रहा है नेचर ऑफ लेंस, तो लिखिएगा इट इज ओनली कॉनकेव लेंस which produces, it is only concave lens which produces a virtual and erect diminished image। ये केवल और केवल कॉनकेव लेंस होता है जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश्ड बनती है, डिमिनिश्ड, ठीक है। नहीं तो कॉन्वेक्स में क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला जो केस है उसकी इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है, लार्ज बनती है, तो क्योंकि इमेज छोटी है कॉनकेव ही है फिर, समझ गए, ठीक। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर? यस सर। सौम्या सर क्लियर है, मतलब मॉड क्या होता है, दोबारा बोलो। अच्छा मॉड क्या होता है, मॉड होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, जैसे मैग्नीफिकेशन है ना, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर -0.75 लिखा होता तो एकदम से आपके मन में आता है कि ये वन से छोटा तो नहीं है, सॉरी वन से बड़ा तो नहीं है, ये वन से छोटा है, अच्छा सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, इसको तो प्लस ही लिखा रहने दो। अगर मान लीजिए ऐसे होता ना -1.75, तो अब अगर आप कहते हैं कि मैग्नीफिकेशन वन से छोटा है या बड़ा है, तो अगर इसका मैं साइन भी इंक्लूड कर लूँगा, यानी कि ये नेगेटिव साइन भी अगर मैं ले लूँगा, तो मैं कहूँगा -1.75 वन से तो बहुत छोटा है, नेगेटिव है ये नंबर, हमें नेगेटिव नहीं लेना। मैग्नीफिकेशन वन से बड़ा है या छोटा है वो देखने के लिए हमको सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी है, तो वैल्यू के लिए बेटा मॉड लगा देते हैं, मतलब फिर मैं ये नेगेटिव साइन लिखा हो या पॉजिटिव साइन लिखा हो उससे कंपेयर नहीं करूँगा, फिर मैं ये देखूंगा कि मॉड एम आ गया 1.75 विच इज़ ग्रेटर देन 1,
साइन के साथ ले लेंगे तो ये वन से छोटा है, अच्छा वन से बड़ा आ रहा है मैग्नि, जो इसका मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन मॉड एम वन से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी, समझ गए? हाँ समझ गए कि नहीं बताइए। मॉड का मतलब होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी है, आपको उसका साइन नहीं लेना, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नोट करेंगे, पावर ऑफ अ लेंस। तो कार में दो तरीके की लाइट बीम्स होती हैं, एक होती है हाई बीम, एक होती है लो बीम। जो हाई बीम है, हाई बीम पर क्या होता है कि हाई बीम पर जो लाइट रेज है ना, वो लाइट रेज जो आगे उसका जो कार का हेडलाइट होता है, तो जो हेडलाइट है, हेडलाइट कभी आप देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल प्लेन ग्लास की तरह दिखाई नहीं देगा, वो आपको उसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग से नज़र आएंगे, प्लास्टिक के छोटे 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 जैसे ग्रूव्स बने हुए हैं। तो वो जो डिज़ाइंस हैं, वो डिज़ाइंस कैसे हैं कि अगर आपने उसको हाई बीम वाला बटन आपने सेलेक्ट कर दिया तो उसका जो रोशनी है, वो रोशनी उसके कॉनकेव पार्ट पर वो स्ट्राइक करेगा, जो बल्ब है, बल्ब की रोशनी कॉनकेव पार्ट पर स्ट्राइक करेगा। कॉनकेव का मतलब क्या है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, आपको दूर दूर तक का सब दिखा देगा, लाइट रेज जो है वो दूर दूर तक फैल जाएंगी। तो हाई बीम पर जब कभी हम ऐसी सड़क पर चल रहे होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है, तो हम हाई बीम पर चलाते हैं गाड़ी की हेडलाइट को, हम हाई बीम पर रखते हैं, हाई बीम से हमको क्या होता है, हमें दूर दूर तक का सब दिखाई देता है। तो खास तौर पर जो हाईवेज पर गाड़ियाँ चलती हैं तो वो लोग हाई बीम पर चलाते हैं ताकि उनको दूर दूर तक का सब साफ दिखाई देता रहे, क्योंकि हाई स्पीड पर चलती है कार। अच्छा, जब हम चलाते हैं लोकल ट्रैफिक में, ज़्यादा जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पर लो बीम पर चलाना चाहिए। लो बीम पर क्यों? क्योंकि लो बीम पर हमें ये देखना होता है कि रास्ते में कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि लोकल ट्रैफिक में कई बार क्या होता है कि कहीं कोई रास्ते में गड्ढा तो नहीं है, कहीं कोई रास्ते में पत्थर तो नहीं पड़ा हुआ। तो हमको एक जगह लाइट रेस को सबको एक जगह लाकर इकट्ठा करना होता है। तो लो बीम पर हमें क्या होता है, हमारे कार से 10 या 12 मीटर आगे तक की सिर्फ रोड और रोड ही रोड दिखाई देती है, ठीक है। तो वो जो लेंस है जिस पे हम लो बीम पर कार की लाइट को रखते हैं, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव क्या करता है, लाइट रेस को फैला देता है। तो ये जो डिग्री है कन्वर्ज करने की, एक जगह इकट्ठा करने की डिग्री या फैला देने की डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब ये है कि कितना फैला रहा है या कितना एक जगह लाकर लाइट रेज को इकट्ठा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, नोट करिएगा। मैथमेटिकली पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज power of a lens but
mathematically power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length defined as the reciprocal of its focal length in meters. फोकल लेंथ को आपको पावर कैलकुलेट करते टाइम जो भी फोकल लेंथ होगी उसको मीटर में रखना होगा, बस इट्स ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, डी आई ओ पी टी आर ई डायोप्टर, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल डी, जैसे मीटर को शॉर्ट में एम बोल देते हैं, सेंटीमीटर को सी एम बोल देते हैं, ऐसे ही डायोप्टर को शॉर्ट में डी बोल देते हैं। तो फोकल लेंथ को मीटर में रखना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फुल स्टॉप, व्हाट इज इट्स पावर, इट्स पावर, द कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर, तो फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ को क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, जोर से बोल दो, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, ऑलमोस्ट खत्म है, लास्ट टॉपिक कर रहे हैं हम, इसको प्रिपेयर करना शुरू करो। फिजिक्स का आप ये समझ लीजिए शायद सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन सेकंड सबसे बड़ा चैप्टर यही है, रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन, रिफ्लेक्शन वाला, और आप भी देख रहे हैं कितना टाइम लगा इस चैप्टर में, तो बड़ा चैप्टर है ये, इसको आप ढंग से प्रिपेयर करिएगा। चैप्टर साथ के ये 5-6 चैप्टर्स हैं, एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों को मिलाकर एनसीईआरटी ने एक चैप्टर बना रखा है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक मैग्नेटिज्म है, और उसके अलावा आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, और इसमें क्या है, बस ह्यूमन एक्ट, बस। तो आप ये समझ लीजिए कि मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वो यही है, तो ये वाला आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया है, लास्ट पोर्शन हम कर रहे हैं, तो इसको आप साथ में लर्न करना शुरू करो, मैं एक हफ्ते के अंदर इसका टेस्ट भी लूँगा, तो प्रिपेयर रखिएगा, मिरर भी लेंस भी पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो f is equal to plus का 10 सेंटीमीटर, सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो भाई मुझे फोकल लेंथ जो है, जब पावर निकालना है ना, तो मुझे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाई 100, 10 से 10 कट गया, 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 0.1 मीटर, ठीक है, पॉजिटिव का, ठीक। जब पावर निकालते हैं तो पावर में बस ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा जो पावर, जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये देखना बेहद जरूरी है, ठीक। देखिएगा, अब हमारे पास फोकल लेंथ ही हो गई तो बेटा पावर क्या होगा, 1/f, यानी कि 1/0.1, इसका मतलब पॉइंट लिया ऊपर, 10 आ गया, क्या हो गया ये 10d प्लस का 10 डायोप्टर, बस ये करना होता है, कोई भी मतलब ज़्यादा मेहनत की इसमें चीज़ ही नहीं है। तो पावर ऑफ अ लेंस आप सोचो कि आपसे सीधा सीधा फोकल लेंथ दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा बेटा पावर कैलकुलेट करो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पावर ऑफ अ लेंस में क्वेश्चन कैसा आएगा, हमने कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन करे, हमने कॉन्केव लेंस के क्वेश्चन करे, तो उन क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ निकालो, पहले फोकल लेंथ निकालोगे बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ निकालोगे 1/p-1/u = 1/f, वो जो फोकल लेंथ आप निकालोगे, फोकल लेंथ निकालने से पहले क्या आता है, सबसे पहले तो 1/f आता है ना, 1/f ही आता है ना, वही पावर है, वो
वही पावर तो ये याद रखना कि लेंस में कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पूछा जाता, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, लेंस में कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप छोड़ आए रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में, वहाँ पर पूछा जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं है। फोकस का डबल कर दो, आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ आएगी मान लो 10 सेंटीमीटर आ गई, डबल कर दो 20 सेंटीमीटर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल दोबारा बोलो, मिरर का नहीं, मिरर की कोई पावर नहीं, मिरर की पावर नहीं निकाली जाती, पावर लेंस की निकाली जाती है सिर्फ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई uses a concave lens of focal length 50 cm full stop. What is the power of the lens? क्वेश्चन को खाम खा में थोड़ा सा डरावना बनाने के लिए लिख दिया पहले, पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई, उसके बाद यूजेस अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। भाई फोकल लेंथ पर ध्यान देना है बस पावर निकालते टाइम। और फोकल लेंथ कितनी है बताओ जरा, -50 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में मेंशन कीजिए सिंस इट इज कितना बिल्कुल सही -2 डायोप्टर। कैसे हुआ, हमने फोकल लेंथ को निकाला, क्या हो गया -50/100, 0 से 0 कट गया, 5 × 5 5 × 2 = 10, एफ इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2, तो 1/f क्या -1/2 क्या मीटर, 1/f क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल ले लो -2/1, और 1/f क्या होता है, यही तो होता है पावर, तो -2 डायोप्टर कदम। ये करना है बस, ठीक है। चलिए जी आज इतना ही कर लीजिए, बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है जो आप चैप्टर कहेंगे नेक्स्ट। अच्छा बायो हमने अभी बिल्कुल भी नहीं करा है, नेक्स्ट क्लास जो साइंस की होगी उसमें लाइव प्रोसेस करवाता हूँ स्टार्ट, और पहले ये कराऊंगा, हार्डली 15 या 20 मिनट लगेंगे ये कम्प्लीट। केमिकल इक्वेशन की क्लास दोबारा बोलना, हाँ केमिकल इक्वेशंस की क्लास बेटा कल लूँगा, हम जो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना इसकी, वो साइंस वाले दिन नहीं लेंगे, मैथ्स वाले दिन लेंगे, वो साइंस साइंस को ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो कल जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के बाद आधे घंटे की क्लास ये वाली रखेंगे। अच्छा अच्छा, अगर बताओ कुछ डाउट्स हो तो बता देना, मैं आज करवा दूंगा आपको। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में दिक्कत आती है? कैसा हो गया, सही हो गया? ठीक हुआ।